इसी तरह जो है किसी चीज़ की जांच कराने से, खून वगैरह पेशाब वगैरह की जांच कराने से रोजे को फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आदमी अगर जांच करवाना है ज़रूरी, हामला औरत है उसके लिए जांच करना ज़रूरी है। कोई आदमी शुगर में है, शुगर है लेकिन रोज़ा रखता है, तो उसकी चेक करने के लिए कि मेरा जो है लेवल डाउन तो नहीं हुआ, हाई तो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो चेक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ब्लड डोनेट करने का है तो वो आदमी की ताकत के ऊपर है कि आदमी ब्लड डोनेट भी कर सकता है। आदमी चाहे कि 300-400 ग्राम खून एक साथ निकाल ले, तो अगर उसके पास ताकत है हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदि है वो देने का कि हर 2-3-4 महीने में देता रहता है, उसको खास को फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ब्लड भी डोनेट कर सकता है। और जिस तरह हमला जो होते हैं उनकी जांच वगैरह अगर करानी है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया हुआ है और रोजे की हालत में वो आ गया, उसी वक्त उनको अपॉइंटमेंट मिला, तो उसके अंदर अगर उनकी खून पेशाब की जांच की जाती है या फिर दीगर जो इंस्ट्रूमेंट डालकर भी अगर उनकी जांच की जाती है हमला औरत को, तो उससे रोजे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे रोज़ा सही है। और रोजे में जो है इंजेक्शन अगर लगाए, इंजेक्शन भी है जैसे दर्द का, मान लो किसी कहते हैं किसी को दर्द है तो दर्द का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि वो भी कोई मुँह से खाने वाली चीज़, मुँह से जो जाता है उसके लिए मना है, लेकिन इंजेक्शन लगाया जा सकता है जिसके अंदर ग्लूकोज ना हो, ताकत वाला इंजेक्शन ना हो। इसके अलावा जो बीमारी के अंदर दर्द का होगा या किसी और वजह से उसको चाहिए तो वो इंजेक्शन लगवा सकता है, ताकत का नहीं होना चाहिए, जिससे उसको जिसे गिजा आदमी जो खाता है तो उससे जो ग्लूकोज बनता है, जैसे ग्लूकोज उसको मिले, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें दवाई नहीं पी सकते, गोली नहीं खा सकते, लेकिन इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं जो बीमारी के लिए उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए उसको लगाना हो। इसी तरह जो है ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन या शुगर का जो आता है इंसुलिन वगैरह, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाम लगा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इनहेलर भी इसमें सूंघा जा सकता है। तो ये है कि ग्लूकोज उसमें नहीं होना चाहिए दवाई के अंदर, जो सिर्फ दवाई हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।